which is now set for the Haryana Legislative Assembly elections. Any minute now, we'll be getting you the ground updates in all of the 90 constituencies today. The voting, which is a high-stakes battle, which will decide whether the BJP secures a hat-trick of victories in the state or the Congress party succeeds to wrest the power back after being in the opposition for 10 years. And the man who was leading the BJP for the maximum numbers of years is Manohar Lal, the former chief minister and union minister. The live pictures that you are getting on our screens right now, as far as not just him, but the political fate of Chief Minister Naib Singh Saini, former Chief Minister Bhupinder Singh Hooda, Congress candidate Vinesh Fogart, JJP leader Dushyant Chautala, and over 1,027 other candidates which are now in the political fray. Their fate would be decided where voters across the state will be casting their ballots in 90 constituencies around 7 a.m. This is exactly on time. And former Chief Minister of Haryana, Manohar Lal, is already there, one of the early ones to come out and cast his vote. The electoral process that will see over 2 crore voters, including, as we are looking at the pictures coming in, the people who will be casting their votes around with over 20,000 polling booths that have now been set up. ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का, क्योंकि 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। ऐसा बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान, योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्तता का, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता? मुझे पूरा पता है, पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ, वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिये, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है, कभी कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है, वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जो पता लगेगा आपको बता। मामा भाई, बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई देखिए। अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है, ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हीरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की, प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है, हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं जैसे पहले करते थे, वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार है। ऑलराइट, दैट्स द फॉर्मर चीफ